तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो गाइस, काफ़ी दिनों से जो है हमने हमारे चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाली है, ओनली हमने जो है लाइव स्ट्रीम पे फोकस किया है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा टेकी काम करने वाले हैं, जो कि टेक चैनल्स का सबसे फेवरेट काम है। जी हाँ गाइस, हम जो है इन सभी प्रोडक्ट्स के जो है अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ओह माय गॉड, वाओ। और आप देख सकते हैं हमारे पास जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं अनबॉक्सिंग करने के लिए। और हाँ, अगर आप भी टेक एंड गेमिंग दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और डिस्कॉर्ड सर्वर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको जो है लेटेस्ट न्यूज़, टेक रिलेटेड एवरीथिंग जो है मिल जाएगा और आप जो है वहाँ पर न्यू फ्रेंड्स भी बना सकते हैं। तो डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ज्वाइन कर लो। और रही बात गाइस आज की इस अनबॉक्सिंग की, तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग इन सभी के सभी ऑसम गेमिंग प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करना चाहते हैं, लेकिन इन सभी प्रोडक्ट्स को एक अकेले वीडियो में जो है नहीं कंप्लीट कर सकते, जो कि आप भी जानते हैं। क्योंकि गाइस, मैं चाहता हूं कि मैं इन सभी प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करूं और आप सभी के सामने एक डिटेल रिव्यू लेके आऊं इन सभी प्रोडक्ट्स का। तो इसके लिए जो है ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और काफी ज्यादा लंबी वीडियो आप लोग नहीं देखते। तो इसलिए गाइस, हम लोग इन सभी प्रोडक्ट्स को अलग अलग वीडियोस में अनबॉक्स एंड डिटेल रिव्यू करेंगे। और आज के इस वीडियो को जो है आप पार्ट वन भी कह सकते हैं, क्योंकि इन सभी को हम लोग लाइन बाय लाइन अनबॉक्स करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं गाइस, इनमें से जो हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनकी अनबॉक्सिंग आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जैसे कि ये हेडफोन, जैसे कि गाइस हमारे लॉजिटेक का गेमिंग हेडफोन, गेमिंग माउस, गेमिंग कीबोर्ड एंड ये हमारा गेमिंग लैपटॉप भी। तो गाइस, इन सभी की जो है अनबॉक्सिंग ऑलरेडी आ चुकी है हमारे चैनल पे, आप जो है हमारा चैनल विजिट करके भी चेक कर सकते हैं और इन सभी की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में जो है बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम जो है अनबॉक्स करने वाले हैं कॉस्मिक बैट की तरफ से गेमिंग एंड कूलिंग पैड, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया गया। दोस्तों, कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट में आ गए थे हम लोग, तो प्यार से चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा कॉस्मिक बाइट का मेट्रोइड कूलिंग पैड, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। आप देख सकते हैं इसके सामने की तरफ का लुक। तो इसका बॉक्स जो है हल्का हैवी है, मींस अंदर कुछ बढ़िया होने वाला है गाइस। और पीछे की तरफ जो है आप इसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, मैं जो है आपको दिखा देता हूँ, आप जो है वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर आपको स्विच टू गॉड मोड लिखा हुआ है, यानी कि गाइस पूरा बूस्ट मोड ऑन हो जाएगा इसको लगाने के बाद। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग जो है वो चाहते हैं उनका लैपटॉप जो है एकदम ठंडा ठंडा रहे वाइल गेमिंग या फिर कोई भी जब वो वर्क करते हैं, बट ऐसा नहीं हो पाता है दोस्तों। इसीलिए गाइस, आज की इस वीडियो में जो हम लोग आपके लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं, जो कि है कॉस्मिक बाइट की तरफ से मेट्रोइड कूलिंग पैड। और गाइस, ये जो कूलिंग पैड है वो आपके लैपटॉप को बिल्कुल ठंडा ठंडा कर देगा वाइल गेमिंग। हम जो है पर्सनली रिव्यू करके चेक करेंगे गाइस। और गाइस, ये जो कूलिंग पैड है ये आपके लैपटॉप को कूलिंग पैड तो बनेगा ही, साथ में ये जो है आपके लैपटॉप का स्टैंड भी बन जाएगा। तो गाइस, फटाफट से देखते हैं इसका लुक, अनबॉक्सिंग करते हैं इसे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बॉक्स के ऊपर की तरफ जो है आपको कूलिंग पैड दिख जाएगा, वो भी गाइस इसकी काफी शाइनी लुक के साथ इसका प्रिंट किया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है, जैसा कि एडजस्टेबल हाइट एंड टाइपिंग एंगल, 6 विस्पर क्वाइट फैंस। इसके अंदर जो है गाइस आपको 6 फैंस देखने को मिल जाते हैं। और गाइस, इसके अंदर जो है आपको RGB वेरिएंट भी देखने को मिलता है, क्योंकि गाइस गेमर्स लोगों को RGB से काफी ज्यादा प्यार है। अगर आप गेमर है तो आप समझ पाएंगे, नहीं है तो आप बोलेंगे कि RGB से क्या होता है। तो गाइस, इसके अंदर जो आपको RGB वाला वेरिएंट भी मिलता है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइस, ये जो है विदाउट RGB वाला वेरिएंट है, हैशटैग बजट प्रॉब्लम। तो गाइस, मैंने जो आपको काफ़ी ज़्यादा पका दिया है, अब मैं इसे ओपन करने वाला हूँ। एक बार फिर से हैशटैग बजट प्रॉब्लम दोस्तों। तो इसे जो हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं फटाफट से। ओके, काफ़ी स्मूथली जो है ये कट हो चुका है और इसे जो हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओके गाइस, काफ़ी प्यारे लुक के साथ ये आता है। और सबसे पहले जो आपको मैनुअल देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस आप इसे घंटा पढ़ने नहीं वाले और हम भी इसे घंटा पढ़ने नहीं वाले, तो इसका क्या काम गाइस, इसको हम फेंक देते हैं और बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ, जो कि है गाइस ये।
और गाइस ये है यूएसबी केबल जो कि आपके लैपटॉप से आपके कूलिंग पैड से कनेक्ट हो जाएगी। इसे जो हम लोग रख देते हैं साइड में और ओपन करते हैं हमारा कूलिंग पैड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसे हमने निकाल दिया है और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है गाइस। तो बॉक्स का क्या काम, बॉक्स को कर देते हैं साइड में। और दोस्तों इसे अनबॉक्स करने से ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट इन बबल रैप्स को फोड़ने में हो रही है, फूट ही नहीं रहे हैं गाइस। इसे जो हम लोग बाद में फोड़ लेंगे। और गाइस अब जो हम लोग नज़र मारते हैं हमारे कूलिंग पैड की तरफ, तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमारा कूलिंग फैन है और इसके अंदर जो है आपको 6 फैंस देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस ये RGB वेरिएंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी जो है आपको एक लाइट देखने को मिल जाती है ब्लू कलर की लाइट, जो कि गाइस ये चलते टाइम काफ़ी ऑसम लुक देने वाला है। और गाइस नीचे की तरफ जो है आपको कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर भी आपको कॉस्मिक बाइट का लोगो देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इन फैंस के ऊपर जो ग्रिल है वो भी काफ़ी प्यारी लग रही है, मेटल फिनिश के साथ ये आपको मिल जाती है ग्रिल, और बाकी की जो है प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस ऊपर की तरफ जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं और 2 कुछ व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो 2 पोर्ट्स हैं इनसे आप सोच रहे होंगे कि ये जो है 2-2 पोर्ट से कनेक्ट होता है या फिर इसमें कोई और सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। इसके अंदर जो है एक ही USB लगती है, अगर आप चाहें तो किसी में भी लगा सकते हैं, अगर एक खराब हो जाए तो आप दूसरी में भी लगा सकते हैं और दूसरी खराब हो जाए तो वापस पहली में भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ये जो व्हील्स है ये फैन स्पीड कंट्रोल की व्हील्स है गाइस, यहाँ से आप जो है अपने फैंस की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, इन फैंस की सीलिंग वाले फैन की स्पीड नहीं गाइस। और दोस्तों आप जो है इसे अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे कि एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं हमने जो है इसे सबसे हाइएस्ट वाले लॉक पे सेट कर दिया है और ये जो है इसकी मैक्सिमम हाइट है जिसपे आप जो अपना लैपटॉप रख सकते हैं। इस पे गाइस आप 15.6 इंच से लेके 17 इंच तक के लैपटॉप, यानी कि 15 से छोटे तो आ ही सकते हैं बट 17 इंच तक के लैपटॉप जो है काफी इजीली इस पे आप लगा सकते हैं, साइज की कोई लिमिट नहीं है गाइस, साइज डजंट मैटर। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके के जो है आपको क्लिप्स मिल जाते हैं जिसपे आप जो है अपने लैपटॉप को टिका सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी केबल को लेके, तो इसकी केबल जो है आपको ब्लू कलर में देखने को मिल जाती है जो कि गाइस काफ़ी इंप्रेसिव है। और ये जो है ब्लू कलर की ब्रेडेड केबल है, ब्रेडेड USB केबल है जो कि गाइस काफ़ी प्यारी है और मोटी भी है और इसकी क्वालिटी जो है गाइस काफ़ी प्यारी लगी मेरे को पर्सनली। जो है गाइस इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी प्यारी लगी और इसकी जो साइज़ है वो इतनी लंबी नहीं है क्योंकि गाइस ऑब्वियसली ये जो है आपके लैपटॉप के साथ रहने वाला है। दोस्तों इसके अंदर जो आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे अभी जो है हमारे 6 के 6 फैन चालू है वो भी फुल स्पीड में, लेकिन यहाँ से जो है गाइस हम यहाँ से इसे स्लो कर देते हैं, ये जो है 3 फैन स्लो हो चुके हैं और इन्हें भी जो हम लोग स्लो कर देते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस ये तीनों भी जो है अब स्लो हो चुके हैं, बट गाइस ये स्लो फास्ट तो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर जो हम लोग अगर थोड़ा सा और स्लाइड करते हैं तो हमारे 3 फैन जो है वो ऑफ हो चुके हैं और इन्हें भी जो है हम लोग यहाँ से बंद कर देते हैं। तो हमने जो है इन तीनों को भी जो है बंद कर दिया है और फिर से जो है मैं इनको चालू कर देता हूं तो, और इसे भी जो है हम लोग ऑन कर देते हैं। चाहे तो दोस्तों आप एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इन फैंस को कंट्रोल कर सकते हैं, मैं तो गाइस अपने हिसाब से इन सभी फैंस को ऑन रखूंगा क्योंकि बार बार जो है दोस्तों कोई इन्हें बार बार ऑन एंड ऑफ नहीं करने वाला है। तो दोस्तों बातें जो है काफी ज्यादा हो चुकी है, अब जो है मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाने वाला हूं हमारे लैपटॉप Acer Nitro 7 गेमिंग लैपटॉप के अंदर, जिसके अंदर जो है मैं आपको GTFI का बेंचमार्क करके दिखाऊंगा विद कूलिंग पैड एंड विदाउट कूलिंग पैड। उससे पहले दोस्तों आप देखिए इस कूलिंग पैड के कुछ सिनेमैटिक शॉट। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है हमारे कॉस्मिक बाइट का कूलिंग पैड और ये जो है अभी हमने ऑफ कर रखा है और इस पे जो है हम लोग हमारा लैपटॉप प्लेस कर देते हैं, हमने जो है हमारा नाइट्रो 7 प्लेस कर दिया है। तो दोस्तों अब जो है हम लोग आ चुके हैं हमारे GTA 5 के अंदर और इसमें जो है गाइस आप बाकी की स्पेसिफिकेशंस भी देख सकते हैं, जैसे कि GPU एंड CPU की भी जो है आपको परसेंटेज एंड डिग्री देखने को मिल जाएगी।
तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेंचमार्क जो है ऑन हो चुका है और आप जो है यहाँ के डिग्री सेल्सियस और परसेंटेज जो है आप नोट करते रहना ताकि आप जो है देख सके 85 टू 95 के बीच में है सीपीयू का टेम्परेचर, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं। और जीपीयू का जो है हमें कॉन्स्टेंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने जो है हमारे कूलिंग पैड को हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं। और इसके जो है 6 के 6 फैन फुल स्पीड में हमने कर दिए हैं। तो चलिए गाइज अब जो है हम लोग विद कूलिंग पैड इसका बेंचमार्क टेस्ट लगा देते हैं। दोस्तों अभी जो है आपने इस कॉस्मिक बाइट के साथ हमारे लैपटॉप में आपने जो है GTFI का बेंचमार्क देखा विद कूलिंग पैड एंड विदाउट कूलिंग पैड जो है आपने देखा। तो आई होप गाइज आपको जो है समझ में आ ही गया होगा कि कूलिंग पैड जो है कैसे वर्क करता है। और अगर गाइज नहीं आए तो मैं जो है आपको इसका मैटर बता देता हूँ। तो गाइज जब हम गेमिंग करते हैं हमारा जो CPU एंड GPU है दोनों का यूज होता है और उनका जो यूसेज है वो काफी ज्यादा हो जाता है और उससे टेम्परेचर भी हाई होता है। और मेरे केस में जो है गाइज मैंने रूम का जो है फैन भी ऑफ रखा है और मेरे रूम का जो रूम टेम्परेचर है वो भी काफी ज्यादा हाई है, इसलिए स्टार्टिंग में ही हमारे लैपटॉप का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो गया था। उसके बाद जो है गाइज हमने जब विदाउट कूलिंग पैड जब हमने बेंचमार्क किया तब आपको जो है 90-95 के बीच में जो है आपको सीपीयू का टेम्परेचर देखने को मिल रहा था और जीपीयू का जो टेम्परेचर है वो 80-85 के करीब जो है देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों जब हमने कॉस्मिक बाइट का कूलिंग पैड लगाया तब हमें इतना ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। हमारा जो सीपीयू का टेम्परेचर था वो 85-90 के करीब था और हमारे जो जीपीयू का टेम्परेचर है वो 75-80 के करीब आ चुका था। तो दोस्तों इसमें जो है खास फर्क नहीं है, इसमें जो है आप एवरेज लगा सकते हैं कि कितना जो है हमें चेंजेस देखने को मिला। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमें जो इतना जो है चेंजेस क्यों नहीं देखने को मिला। तो गाइस कूलिंग पैड जो है वो आपके लैपटॉप को ठंडा नहीं करता है वाइल गेमिंग या फिर वाइल आप कोई वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम जो है ये आपके लैपटॉप का जो टेम्परेचर है वो एकदम से नीचे नहीं लेके आ सकता। बट गाइज ये जो कूलिंग पैड है या फिर कूलिंग पैड का जो वर्क होता है वो आपके टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता है, ये जो है मेन मोटिव होता है एक कूलिंग पैड का। तो वैसे ही जो है हमारे बेंचमार्क टेस्ट के दौरान हमारे जो है इस कूलिंग पैड ने किया, मीन्स बेंचमार्क के बीच में जो है आपको एक पॉज देखने को मिल रहा था। तो गाइज उसमें जो है सीपीयू और जीपीयू का जैसे ही यूसेज कम होता है तो वहां पर जो है हमें टेम्परेचर भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा था। तो यही था जो दोस्तों इसका मेन मोटिव। और मेरे हिसाब से गाइज विथ माई ओपिनियन इस कूलिंग पैड ने जो है काफ़ी अच्छा काम किया है। और गाइज इसकी जो है परचेसिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, RGB वाला वेरिएंट भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अकॉर्डिंग टू मी गाइज ये जो है मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि गाइज आप देख सकते हैं एज जो है आप इसे अपने लैपटॉप स्टैंड भी कर सकते हैं और आपके लैपटॉप के लिए भी जो है आप इसे परचेस कर सकते हैं कोई भी साइज हो। बट मैं गाइज आपको पहले बता दूँ आप जो है अपने लैपटॉप को कभी बेड पर रखे या किसी भी जो है बुक्स के ऊपर रखे ना यूज करें, उससे जो है उसके वेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं और वो जो है काफी ज्यादा फैन की जो है स्पीड हाई कर देता है और नॉइज करने लग जाता है और वो हीट अप होते रहता है। तो आई होप दोस्तों आपको जो है इसका सीक्वेंस यानी कि इसका जो मैटर है वो आपको समझ में आ गया होगा कि कूलिंग पैड जो है कैसे काम करता है, कैसे जो है ये वर्क करता है और बाकी के जो कूलिंग पैड है वो कैसे वर्क करते हैं, कूलिंग पैड का जो है मेन मोटिव क्या होता है और इस कूलिंग पैड में आपको जो है क्या सही लगा क्या गलत लगा आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आप जो अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं की अनबॉक्सिंग भी हम ऐसे ही करें तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना ताकि उससे जो है हमें मोटिवेशन मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक और कॉमेंट जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आ सकूं। तो गाइज बस आज की वीडियो के लिए बस इतना, थैंक यू वेरी मच।